तो कल है फिनाले और फिनाले से एक दिन पहले कौन कितने नंबर पे है। जी हाँ, सिर्फ आज का दिन है और कल दोपहर 12 बजे तक वोटिंग लाइन भैया बंद क्लोज होने वाली है और रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक दिन पहले कौन कितने नंबर पे है, मुनव्वर कितने नंबर पे है, अभिषेक कितने नंबर पे है, क्या कोई उलट फेर हुआ है या फिर जैसा चलता आ रहा है वैसे चलता जा रहा है, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं और लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं कि भैया एक दिन पहले कौन कितने नंबर पे है और कौन सीधा सीधा साफ साफ BB17 का विनर बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो देखो रात क्लास लगाई गई है, तगड़े वाली लगाई गई है, काफ़ी लोगों ने बोला कि भैया रोहित शेट्टी को शो का होस्ट होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से चीज़ें उसने रात की है, जिस तरह से कंटेस्टेंट को उनकी रियलिटी दिखाई है, जो हम देखते हैं वो चीज़ें जाकर बोली है। हालांकि मुनव्वर को ऐसी चीज़ें बोली गई जिससे फैंस हैं वो थोड़ा नाखुश थे, लेकिन मैं आपको गाइज बताऊँ, थोड़ा गाइज कंप्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मैं कम आवाज़ में बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसे में गाइज मैं आपको बताऊँ तो जिस तरह से रोहित शेट्टी ने मुनव्वर फारूकी को रात कुछ बोले हैं वर्ड, उससे मुनव्वर के फैंस थे वो थोड़ा निराश हो रहे थे। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, एक बात याद रखिएगा, जिस कंटेस्टेंट को डाउन करने की कोशिश की गई है उसको जनता उठाती है, लाइक अभिषेक पहले इतना नहीं खास थे लेकिन चिंटू और ईशा ने मिलकर जो उसको पोक किया उसके बाद अभिषेक का वो हीरो बन गए। सेम मुनव्वर के लिए आयशा आई, मुनव्वर के लिए सब चीज़ें की गई, उसके बाद मुनव्वर बहुत तगड़े वाले हीरो बन गए। ऐसी चीज़ें गाइस होती आ रही है। वहीं पे अंकिता बहुत तगड़ी उसको सपोर्ट मिलती थी, लेकिन जैसे उसने अपने पति के साथ जो चीज़ें की, मैं आपको गाइस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, रात अंकिता ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि देखो मेरी तरफ से भी चीज़ें हुई है नोट मेरे पति, और ऐसे में जो रोहित शेट्टी वो भी बता रहे थे कि ठीक है ये आपकी जर्नी थी इसलिए आपको पॉजिटिव दिखाई गई, अगर विकी की जर्नी होती तो विकी की अलग दिखती, उसमें आप नेगेटिव दिखती, तो ऐसा होता। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अंकिता लोखंडे भी उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाई क्योंकि वो अपने पति के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करती रही जिससे लोगों को वो गलत दिखी है। अब यहाँ पर मुनव्वर के साथ रात चीज़ें की गई तो आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिए कि जिसको डाउन करने की कोशिश की उसको जनता उठाती है, और ऐसे एंड मोमेंट पे डाउन करना और फिर से फुल सपोर्ट आना सीधा फिर विनर ही बनाएगी और क्या करेगी, है ना। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आया है, रात से फिर से वो चीज़ें हुई है। जी हाँ, रात जो चीज़ें की गई है एपिसोड में उसके बाद से जनता फिर से फुल सपोर्ट में आई है। और नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे अरुण महाशेट्टी चल रहे हैं अभी भी, और अरुण महाशेट्टी ऐसे है कि मैंने आपको जैसे हर वीडियो में बताया है कि उनको पहले आउट किया जाएगा, टॉप 5 से पहले निकाला जाएगा, टॉप 4 जो बचेंगे मनारा अंकिता मुनव्वर अभिषेक ये टॉप 4 रहेंगे। तो टॉप 5 से यहाँ पर अरुण महाशेट्टी को ग्रैंड फिनाले वाले दिन, जी हाँ, उसमें आउट किया जाएगा। बाकी गाइज मैं बता रहा हूँ, अभी फ़िलहाल में तो सभी कंटेस्टेंट ने अपनी परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्ड कर ली है, किसने किस गाने पर की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मुनव्वर कौन से गाने पर डांस कर रहे हैं, अभिषेक की सोलो परफॉर्मेंस रहेगी, खानजादी नहीं आएगी, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो अंकिता और विकी कभी खुशी कभी गम इस गाने पर डांस करते हुए नजर आएंगे, परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, तो ये चीज़ें होने वाली है। अच्छा गाइज अब मैं आपको बताऊँ तो नंबर 4 पे मनारा चोपड़ा है। मनारा चोपड़ा पहले दिन शायद दूसरे दिन आई थी नंबर 3 पे, उसके बाद से वो नंबर 4 पे चल रही है जब प्रियंका चोपड़ा की उसको सपोर्ट आई थी, लेकिन फिलहाल के लिए नंबर 4 पे मनारा चोपड़ा है जो कि टॉप 4 में तो एंट्री करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके हिसाब से उसकी जर्नी रही है वो टॉप 4 में डिजर्व करती थी। नंबर 3 की बात करें तो अंकिता लोखंडे, जी हाँ, तो नंबर 5, 4 और 3 में अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है, जैसे के तैसे हैं, और ऐसे में जनता ठीक है जितना वोट कर रही है कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, बट आप मान के चलिए कि अरुण से ज़्यादा मनारा के फैंस हैं, मनारा से ज़्यादा अंकिता के फैन हैं, तो उस हिसाब से वोटिंग हो रही है और वो अपनी उस पोजीशन पर है। नंबर 2 और 1 की बात करें तो गाइस देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जो कंपटीशन स्टार्टिंग में चल रहा था फिर सामने आया कि मुनव्वर और अभिषेक में ज़्यादा मार्जिन नहीं है और शायद ये क्रॉस कर लें। फिर उसके बाद कल चीज़ें आई कि भैया मुनव्वर बहुत आगे निकल गए हैं, बड़ी लीड लेकर आगे निकल चुके हैं, और इस वक्त आपको बात बताएं तो बड़ी लीड नहीं, बहुत बड़ी लीड लेकर, जी हाँ, मुनव्वर फारूकी बहुत बड़ी लीड लेकर यहाँ पर अभिषेक कुमार से बहुत आगे निकल गए हैं, यानी अभिषेक कुमार नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे मुनव्वर फारूकी है। और जैसे रात चीज़ें हुई ना उसको डाउन करने की कोशिश की तो जनता ने और तगड़ी वोटिंग की कि भैया कर लो डाउन,
हम फिर से तगड़ी वाली वोट करके उसको सपोर्ट करेंगे और विनर बनाएंगे। और ऐसे में मुनव्वर फारूकी है नंबर वन पे है, जो तगड़ी वाली सपोर्ट लेकर सीधा सीधा ट्रॉफी लेकर डोगरी जाते हुए नजर आने वाले हैं। एक दिन पहले की रिपोर्ट है गाइस, एक दिन पहले का वोटिंग ट्रेंड है, इसमें साफ दिख रहा है कि मुनव्वर फारूकी ट्रॉफी लेकर सीधा डोगरी में एंट्री लेने वाले हैं। बस गाइस कुछ घंटों का टाइम है और कुछ घंटे पहले क्लियरली दिखना विनर, ये अपने आप में बड़ी बात है और अब कोई नहीं रोक सकता उनको विनर बनने से, क्योंकि ये सब क्लियर चीज़ें हो चुकी है। अब देखते हैं गाइस, आज का पूरा दिन है, कल का आधा दिन है, जनता क्या बड़ा उलट फेर करती है। हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हो सकता है, बस आप वोट करते रहिए। अभिषेक के फैसले आप भी कीजिए, मुनव्वर के फैसले आप भी कीजिए, क्या बोलेंगे लिख डालिए। और गाइस आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, आज हम दो बार फिर से लाइव आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। जल्दी से आ जाइए और आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।